हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको अजंता फार्मा के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताने वाले हैं और साथ ही में ये भी बताएंगे कि इसके जो रिजल्ट है वो क्या इम्पैक्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको अजंता फार्मा के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताते हैं। जैसे कि ये इसका जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का वो 1.96 बिलियन रुपीज़ और जबकि पिछले ईयर के क्वार्टर में ये 1.7 बिलियन ही था, तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो क्वार्टर है इसमें मतलब एस्टिमेट किया था 1.6 बिलियन, लेकिन इसने 1.74 बिलियन का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट दिया है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है, एक पॉजिटिव रिजल्ट है। और अगर आप रेवेन्यू देखें तो 8.85 बिलियन रुपीस इसका जो रेवेन्यू है, और यहाँ आप जो पिछले क्वार्टर में मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखें अगर आप, तो 7.15 बिलियन था। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी डेटा की, तो मार्केट कैप 18,477.55 करोड़ का, तो ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पीए 38.07 और कंपनी का पीए 27.18। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से थोड़े से कम प्राइस में मिल रहा है, और बुक प्राइस अगर आप देखें तो 6.17 टाइम्स पे आपको ये मिल रहा है, मतलब महंगे प्राइस पे आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 42.79, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2015 करोड़ का था, 2019 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट देखी गई 2008 करोड़, 2020 में 2068 करोड़, और उसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है 2021 में 2092 करोड़। तो मतलब 2019 में भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट था, तो इंश्योर कंपनी का जो रेवेन्यू वो हर साल अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 470 करोड़ का था, 2019 में 390 करोड़ का, 2020 और 21 में मतलब 20 में 470 करोड़ और 2021 में 650 करोड़। तो कंपनी का जो ऑल ओवर जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा खासा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 2435, करंटली है 2110 पे चल रहा है, 25.25 रुपीज़ ये डाउन है, 1.18% डाउन है। तो ऑलरेडी मतलब ये जो अभी मार्केट का जो सिनेरियो आप मार्केट देख ही सकते हो आज का जो नीचे आ रहा है, तो उस वजह से जो अजंता फार्मा इसके रिजल्ट अच्छे हैं पर फिर भी इसका जो शेयर प्राइस है वो अभी गिर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।